जोहार सभी को, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अबुआ आवास योजना के तहत, और एक बड़ी अपडेट आई है यहाँ पे, किन किन लोगों को यहाँ पे अबुआ आवास मिलेगा, किन किन कैटेगरी को यहाँ पे आवास मिलेगा और यहाँ पे किन जिले को यहाँ पे ज़्यादा आवास मिलेगा, वो सब के बारे में यहाँ पे अपडेट आई है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे जानकारी लेंगे और देखेंगे किन किन को यहाँ पे आवास कितना मिलने वाला है। तो सिंपल इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट या फिर अबुआ आवास योजना के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे अपडेट आया है। यहाँ पे सिंपल एक पेपर कटआउट आई है तो उसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेपर कटआउट को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पेपर कटआउट है जो मैंने पेपर कटआउट का बात किया था। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल पूरा डिटेल्स में दिए। यहाँ पे देख सकते हैं मंत्री इरफान अंसारी ने गिरिह जिले जामताड़ा में, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जामताड़ा में, यहाँ पे 24,000 जो कि अबुआ आवास बनने का लक्ष्य है। यहाँ पे जो कि जामताड़ा जिले में यहाँ पे 24,000 यहाँ पे जो कि आवास बनने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं गढ़वा व गिरिडीह में बनेगा सबसे अधिक अबुआ आवास। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि सबसे अधिक अबुआ आवास है वो गढ़वा और गिरिडीह में बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट यहाँ पे पूरी डिटेल्स में दी गई है। तो सिंपली उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग ने, यहाँ पे राज्य सरकार का यहाँ पे जो भी ग्रामीण विकास विभाग है, अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर, यहाँ पे जो कि लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल यहाँ पे 4.5 लाख यहाँ पे अबुआ आवास बनने का लक्ष्य विभाग ने निर्धारित किया है। यहाँ पे जो कि 4.5 लाख यहाँ पे जो कि अबुआ आवास है वो बनाने का यहाँ पे जो कि निर्धारित किया गया है लक्ष्य को। उसके बाद सबसे अधिक जो कि है अबुआ गढ़वा और गिरिडीह जिले में यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जो कि गढ़वा और गिरिडीह जिले में यहाँ पे जो कि है सबसे ज्यादा अबुआ आवास मिला है। उसके बाद वहीं देख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पे जो कि इरफान अंसारी के गिरिह जिले जामताड़ा में 24,000 अबुआ आवास बनाए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते जो कि 24,000 आवास बनाए जाएंगे। वही देख सकते हैं गिरिडीह में 38,000 तथा गढ़वा में यहाँ पे 36,000 से, देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में उसके बाद हम लोग को देखेंगे। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे जो कि गिरिडीह में 38,000 तथा गढ़वा में यहाँ पे 36,000 से अधिक आवास बनाए जाएंगे। यहाँ पे जो कि सबसे कम आवास खूंटी और कोडरमा जिले में आवंटित किया गया है। यहाँ पे सबसे जो कि कम आवास है वो खूंटी जिले में और कोडरमा जिले में बनेगा, यहाँ पे सबसे कम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अल्पसंख्या, यहाँ पे जो कि कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ पे डिवाइड किया गया उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं अल्पसंख्या को मिलेगा यहाँ पे 45,000 आवास। यहाँ पे जो कि अल्पसंख्या कैटेगरी के जो भी यहाँ पे लाभुक हैं उनको यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 आवास मिलेगा जो कि पूरे झारखंड में। उसके बाद देख सकते हैं राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को करीब यहाँ पे 45,000 अल्पसंख्याओं को अबुआ आवास देने का लक्ष्य रखा था। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अबुआ आवास देने का लक्ष्य रखा है, यहाँ पे जो कि अल्पसंख्या को यहाँ पे 2024-25 के टारगेट में यहाँ पे जो कि 45,000 यहाँ पे जो कि आवास देने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद सामान्य जाति के यहाँ पे 22,500 लाभुकों को आवास दिया जाएगा। यहाँ पे जो कि 22,500 लाभुकों को यहाँ पे आवास आवंटित होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया जो कि 2,25,000 ST/SC को मिलेगा तथा यहाँ पे जो कि 1,57,000 OBC को भी अबुआ आवास दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक भी अल्पसंख्या को जो कि अल्पसंख्या जो भी वर्ग में जो भी आते हैं उनको देख सकते हैं अबुआ आवास नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो कि सिमडेगा और पूर्व पश्चिमी सिंहभूम के लोगों को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। वहीं देख सकते हैं खूंटी में मात्र 5 जो कि अल्पसंख्या को अबुआ आवास दिया जाएगा। यहाँ पे जो कि खूंटी में सिर्फ और सिर्फ 5 अबुआ आवास दिया जाएगा अल्पसंख्या को। उसके बाद देख सकते हैं कि यह डिटेल्स में दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं गिरिडीह जिले में सबसे अधिक सामान्य जाति के लोगों को यहाँ पे अबुआ आवास दिया जाएगा। यहाँ पे जो कि सामान्य जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा गिरिडीह जिले में अबुआ आवास आवंटित किया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल्स में, यहाँ पे विभागीय सचिव ने सभी जिलों को पत्र भेजकर प्रखंड और पंचायत स्तर लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। यहाँ पे जो कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर यहाँ पे लक्ष्य जितने जिनको देना है कितना कितना देना है उसके लिए यहाँ पे निर्धारित करने के लिए बताया गया। उसके बाद देख सकते हैं 2,00,000 रुपये मिलते हैं लाभुकों को। यहाँ पे जो कि 2,00,000 रुपया दिया जाता है अबुआ आवास बनाने के लिए, यहाँ पे 2,00,000 रुपया लाभुकों को दिया जाता है। उसके बाद अबुआ आवास योजना के लाभुकों को यहाँ पे राज्य सरकार 2,00,000 रुपया आवास बनाने के लिए देती है। यहाँ पे जो कि अबुआ आवास बनाने के लिए देती है 2,00,000 रुपया। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को की थी। यहाँ पे जो कि इसकी शुरुआत जो की है या फिर इसकी घोषणा जो की है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 15 अगस्त 2023 को यहाँ पे इसकी घोषणा की थी। उसके बाद देख सकते हैं भारत सरकार से जिन लाभुकों को आवास
योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए भारत सरकार से जिन लोगों को यहाँ पे जो भी लाभुक है उनको यहाँ पे अगर आवास का यहाँ पे लाभ नहीं मिला है तो उनको देख सकते हैं उनको इस स्कीम से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो कि जिसको यहाँ पे पीएम आवास नहीं मिला है उनको इस स्कीम से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए राज्य सरकार के 8 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पे जो कि राज्य जो कि झारखंड राज्य की में यहाँ पे देख सकते हैं 8 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। उसके बाद देखिए सरकार अपनी योजना कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे जो कि 30 लाख से भी अधिक लाभुकों ने इसके लिए आवेदन दिया, जो कि अबुआ आवास के लिए यहाँ पे आवेदन मिला है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स में दी गई है किन जिले को कितना यहाँ पे आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे जो कि अबुआ आवास योजना उसका पूरा डिटेल्स में दिया गया। अगर आप यहाँ पे चाहे तो आप सिंपल वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपका भी यहाँ पे जो भी जिला है उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जिला और लक्ष्य यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे किन जिले को यहाँ पे अबुआ आवास कितना लक्ष्य रखा गया है वो दिखा रहा है और यहाँ पे जिले का नाम दिखा रहा है। सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे कितना लक्ष्य रखा गया है वो भी पूरा आप डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि बोकारो में देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 15,734 यहाँ पे आवास आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे सिंपली वही दिया गया, तो आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। बस आपको यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसी तरह का वीडियो देखना या फिर अपडेट के रिकॉर्डिंग सरकारी योजना अपडेट के रिकॉर्डिंग आपको देखना पसंद है सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।